हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ लास्ट डे रूल सर्वाइवल। तो यार, एक दो दिन पहले मैंने एक सर्वर स्टार्ट किया था, बट मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया, बट उतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा पहले आता था, जब सारे के सारे भाई लोग एक ही सर्वर में खूब मज़े करते थे एंड हेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा आते थे। तो आजकल यार मैं उन सब्सक्राइबर को भी मिस करता हूँ कभी कभार, एंड हेटर्स को तो यार बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से खेलना बंद कर दिया है। बट मैं सोच रहा हूँ एक सर्वर करूँगा मैं स्टार्ट लाइट में, ओपन करके खेलेंगे, मज़ा आएगा पहले जैसा एंड लिटरली मज़े करेंगे। तो चलिए गाइज, अभी जो है ना, जैसे ही मैं सर्वर में घुसा एंड मैंने कमेंट में लिखा कोई इंडियन है जो साथ खेलेगा, एंड यहाँ पे मेरे को कुछ लड़कियाँ मिली जिन्होंने अपन को टीम पे ले लिया था। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार उनके साथ खेलते हैं, बट स्कैम नहीं करने का क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्कैम करते हैं। तो भाई जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप किसी के साथ खेलते हो तो यार एटलीस्ट स्कैम मत किया करो। मेरे साथ पिछले सीरीज़ में स्कैम हुआ था काफ़ी गंदा, एंड मैं नहीं चाहता यार मैं इनके साथ स्कैम करूं। अगर करना चाहूं तो मैं भी कर सकता हूं, बट नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। तो यहां पे इन्होंने आराम से अपना पासवर्ड वगैरह बता दिया है, एंड मैंने इनसे इनका प्लान पूछा कि आप किस तरीके से खेलते हैं। तो इन्होंने बोला पहले दिन जो है ना, हम ओनली ग्रीन रूम पर फोकस करते हैं एंड ग्रीन रूम पर ही मज़े करते हैं, एंड उसके दिन अगले दिन जो है ना, हम लोग पूरा सर्वर मैप में घूमते हैं, हर जगह के रूम करेंगे ब्लू एंड पर्पल। मैंने कहा ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। एंड आज का एपिसोड ऐसा होने वाला है कि हम ओनली जो है ना ग्रीन रूम के ऊपर फोकस देने वाले हैं, तो भाई मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो चलिए, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे अबैंडन सिस्टर्स फैक्ट्री में। मैंने डिसाइड करा चलो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने निकले लेवल 2 का मास्क देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, अबे भाई फंस गया, नीचे गिर गया। चलो दोबारा से हम लोग चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं लेवल 2 का मास्क, एंड लेट्स सी यार मिलता है या फिर नहीं मिलता। चल भाई आराम से ऊपर चढ़। ओके यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने को लेवल 2 का मास्क तो नहीं मिला। मैं उतरता हूँ नीचे एंड निकलते हैं। यार मुझे नहीं लगता यार अभी अपने को जो है ना यहाँ पे ग्रीन रूम पे लूट मिलेगा, क्योंकि भाई आजकल के बंदे जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। मतलब अगर आप लोग सर्वर खेल रहे हो, अगर अकेला हो तो भाई लूट मिलना तो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मैं खुद अकेला खेलता हूँ एंड अब मेरे पास उतना लूट नहीं रहता। अबे भाई रुक जा गधे, इसने गधे का मास्क पहन के रखा भाई, इसको तो मारूंगा मैं। तो हाँ, जितना पहले इजी था ना, अब उतना इजी नहीं है गेम भाई, लूट ही नहीं मिलता। मतलब फ्री वाला एमो चेस्ट तो भूल ही जाओ, ग्रीन रूम वाला एमो चेस्ट, बंदे ग्रीन रूम तो आ आके चेक करते रहते हैं हर 10-10 मिनट में। भाई कितने बंदे, ओ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ भाई ये तो ये गधा वाला ही है, भागले भाई पीछे पीछे भाग, अबे रुकना नहीं है, भागले फटाफट से। हाँ मुझे लगता है भाई ये आएगा तो सही। अरे भाई मेरा टीममेट गया उसको मारने के लिए, चलो मैं भी चलता हूँ, अगर मेरा टीममेट जा रहा है तो यार अपने को तो जाना पड़ता ही है ना। तो चलिए, ओके बजा दिया भाई शॉटगन से, क्या ही गजब के फटके मारे उसको। तो अभी मैं अपना आपको हीलअप करता हूँ, एंड जैसे मैं यहाँ पे हीलअप कर रहा था एंड मुझे पता चला ये चाइनीज ने अपना बेस जो है ना यहीं पे बनाया है, तो भाई वो आएगा जरूर। आ भी गया भाई, रुको गधे इधर देख, पीछे तो देखो भाई पीछे। तो भैया यहाँ पे गधे को हमने दोबारा से मार दिया है एंड मुझे लग रहा है दोबारा आएगा। ओके भाई लेखा फटका, अरे बच गया यार, मेरे शॉटगन के एमो खत्म हो गया था। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैंने गधे को दोबारा मार दिया, इस गधे को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, अभी इसको तो दबा के मारूंगा। फिर भी अपन के टीममेट्स लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे से हिलना मत, इधर ही खेलो, मज़ा आएगा यहाँ पे, एंड ब्लू एंड पर्पल रूम जो है ना हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है जैसा तुम बोलते हो। अरे भाई ये देख रहे हो, इसके पास SMG है ना, उसको पता है दूसरे बंदे के पास शॉटगन है, तो ये यहाँ पे आ नहीं रहा है। भाई रुक, अपने टीममेट को मार रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा। अबे डैमेज नहीं आया इसको, मेरे शॉटगन का डैमेज नहीं आया, बट टेंशन नहीं, 2-3 बुलेट का तो भाई डैमेज ही नहीं आया। मुझे लगता ना मेरा नेट दिक्कत कर रहा है, वो आएगा नहीं मेरे पास में, मुझे पता, आई नो वो मेरे पास में नहीं आएगा। भाई क्या ही गजब का उसको शॉट मारा, आप लोगों ने भी देखो भाई मजा ही आ गया। अब तब तक अपन के टीममेट्स भी यहाँ पे पहुंच चुके थे, तो मैंने अपने टीममेट से बोला ऐसे करते हैं ना, थोड़ा एक बार ही हम लोग पूरा का पूरा सर्वर का राउंड लगा के आते हैं, देखते हैं क्या पता अपने को रूम वगैरह मिल जाएगा। रूम मिल गया तो अपने को फार्म हाउस रेड डॉट वगैरह मिलने के चांसेस है। तो उसके बाद
मैंने और मेरे एक टीममेट ने डिसाइड किया कि अभी जो है ना हम लोग साइकिल उठा के चलते सीधा हार्बर एयरपोर्ट बॉम्ब शेल्टर के साइड में, मे भी वहाँ पे अपने को रूम मिलेगा तो अपने को सामान वगैरह मिलने के चांसेस है, क्योंकि ग्रीन रूम के सामने रह के तो कोई फायदा नहीं है। बट यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा शॉटगन से मारेगा, बैग लगा रहा है क्या? ओ भाई यहाँ पे ये चाइनीज क्या लगा रहा था, मुझे लगता है यहाँ पे ये बैग लगा रहा था अपना। बट यार ये गधे को ना भाई, गधा जो है ना शॉटगन की आवाज सुनते ही यहाँ पे आ जाता है। बट क्या करें यार, उसको हमने गजब से मारा। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने रूम चेकआउट करा, रूम पे लूट वगैरह तो था नहीं, बट मेरे को यहाँ पे जो है ना बॉट दिखा था भागते हुए। मैंने कहा भाई बॉट को तो छोड़ना नहीं है, बॉट से अपने को काफ़ी अच्छा लूट मिलता है बड़े वाले लास्ट डे रूल सर्वाइवल में। सो मैंने डिसाइड करा चलो यार इसको मारता हूँ। वैसे आप कौन सा लास्ट डे खेल रहे हो, छोटा वाला या फिर बड़ा वाला? मुझे पता आप लोग छोटा वाला खेल रहे होंगे, लाइट वाला, बट ठीक है मैं भी ट्राई करूँगा लाइट वाला खेलने का। बट यार पहले जैसा नहीं खेलूँगा अब, हाँ पहले के जैसे कुत्तों की तरह नहीं खेलने वाला मैं, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट। अरे ये कहाँ से आया, पीछे से आवाज़ सुनते ही देखो मेरे को मारने के लिए। भाई मेरे को तो नहीं मार पाओगे यार। चलो यार अभी हम लोग जो ना यहाँ पर चलते हैं। हाँ कुछ दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया था, ओ भाई बोलता भाई टैलेंट मैक्स करो एंड ऑफिशियल सर्वर खेलो। तो भाई यार जिसने कमेंट किया था अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो यार टैलेंट मैक्स करने के लिए स्पॉन्सर कर दे यार मेरे को, जितने का टैलेंट मैक्स होंगे उतना पैसा दे दो, कर दूंगा एंड खेल लूंगा उसके बाद। छोड़ो यार वो मजाक की बात है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है टैलेंट मैक्स करने के लिए। एंड फाइनली हार्बर के पास आके मैंने यहाँ पर अपना 2x2 का बेस बनाया। एंड अभी हम फोकस करने वाले हैं यहाँ पे के रूम, ब्लू एंड पर्पल रूम है, मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। एंड मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं एक दो फर्नेस लगा देता हूँ, बट मेरे को चाहिए होगा फ्यूल, एंड फ्यूल तो मेरे पास है नहीं। सो फ्यूल कलेक्ट करने के लिए मेरे को जाना होगा किधर, वेयर, गैस स्टेशन, वहाँ से मैं फ्यूल वगैरह लेके आकर एंड जितना भी मेरे पास फ्यूल होगा वो हम लोग रिफाइन करके फिर यहाँ पे अपने के लिए जो है ना फर्नेस वगैरह लगा लेंगे। मैंने साइकिल निकाला एंड चलते हैं फ्यूल वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे से जा ही रहा था एंड पीछे से बंदा जो है ना मेरे ऊपर शॉट गन के बुलेट्स फायर करने लगा। मैंने कहा रुक जा भाई, उसने मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया वो रहा बंदा। डैमेज तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दिया बट वो यार यहाँ पे से पेड़ के पीछे छुप गया। शॉट गन से पेड़ तोड़ने का ट्राई करता हूँ बट टूटेगा नहीं। पास, ओए ये तो मेरे पास आ रहा, रुक जा भाई। अरे भाग गया भाग गया भाग गया, बट मेरे टीममेट ने बजा दिया उसके पीछे से, तो मैं पूरा फिनिश करता हूँ। एंड जैसे मैंने इसको फिनिश किया बट ये बंदा आया कहाँ से, मेरे को फुट स्टेप भी नहीं आया एंड मेरे को जो है ना ये मार दिया। चलो मैं यहाँ पे सेल्फ करता हूँ, मेरा बेस पास में, बेस से आकर अपना सामान वगैरह उठाकर ले चलूंगा। यार मेरा साइकिल है, अगर साइकिल छूट गया ना, बट कोई नहीं साइकिल वहीं पे था तो मैंने साइकिल उठाया, पहुंच गया मैं यहाँ पे। एंड यार ये तो पर्पल रूम है, पर्पल रूम तो देख के कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि कार्ड ही नहीं है, तो देख के फायदा क्या है। तो चलो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। एंड जब मैं यहाँ पे से निकल रहा था तो मैं उधर के गेट के साइड से ब्लू रूम चेकआउट करा। यार ब्लू रूम जो है ना वो पूरा का पूरा लूटेड था लिटरली, यार उसमें कुछ भी नहीं था उसमें। बट यार मेरे पास कार्ड वगैरह भी नहीं था तो मैं कर भी नहीं सकता था, ये बंदा क्या कर रहा है भाई। ओके चलो यार मेरे को हाइड का चेस्ट तो मिला इससे। ठीक है, एंड उसके बाद मैं पहुंचा एयरपोर्ट, पूरा लूटेड, न्यूक्लियर पूरा लूटेड, एंड बायो में पहुंचा ये भी लूटेड था। बट ये बंदा जो है ना बायो लूट के भाग रहा था। मैंने कहा यार अगर इस बंदे को मैं मार दूं तो मेरे को इससे थोड़ा बहुत सामान वगैरह मिल सकता है, एंड उसके पीछे मैं भागा मारने के लिए। एंड जैसे ये उतरा मैं भी इसके पीछे पीछे जो है ना भागा इसको मारने के लिए। मैंने इसको डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा दिया एंड मैं चाह नहीं रहा था मैं इसके बेस के अंदर ट्रैप हूँ, तो भाई मैं बाहर ही रुक गया, अगर अंदर घुस जाता ना तो भी ठीक था, बट कोई टेंशन नहीं यार चलेगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा देर वेट किया कि बंदा जो है ना बाहर निकले, बट यार बंदा तो बाहर निकला नहीं है एंड उसका मैंने घोड़ा भी मार दिया था। फिर मैं अपना साइकिल उठाया और निकल पड़ा सीधा अपने बेस के तरफ। भाई लगभग पूरा 1.5 घंटा लगा पूरा मैप घूमने में, बट यार अपने को कुछ खास मिला नहीं। मतलब पहला दिन तो ऐसा है ना, भूल ही जाओ आपको कुछ मिलेगा, बट जितना भी थोड़ा बहुत सामान वगैरह तो मिल ही गया भाई। बॉट को मार मार के मैंने काफ़ी ज़्यादा सल्फर, स्टोन, वुड एंड आयरन तो कर ही लिया था, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे डाला। एंड मैंने डिसाइड करा चलो यार अभी मैं जो है ना
बैंडिट कैंप चेकआउट करके नहीं आया हूँ। बैंडिट कैंप में कौन सा रूम है एंड लूट भी है या फिर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे से एक ब्लू कार्ड उठाया, एक ग्रीन कार्ड उठाया एंड चल दिया मैं। ब्लू कार्ड तो नहीं उठाऊंगा यार, ब्लू कार्ड एक ही है एंड मैं चाहता नहीं यार, इन्होंने मेहनत करके ब्लू कार्ड कलेक्ट किया है एंड कार्ड तो मैं अपना ही यूज़ करूँगा। तो फिर क्या था, उसके बाद मैं डायरेक्ट पहुँचा बैंडिट कैंप एंड मैंने डिसाइड करा चलो एक बारी चेकआउट करते हैं। यहाँ पे है अपना ग्रीन रूम, बट सबसे पहले तो ये बजूका वाले को मारना पड़ेगा भाई, ये बहुत गंदा मारता है अपने को। आ जा भाई, ओके लेट्स गो। भाई कितना बुलेट खाएगा ये, भाई बहुत बुलेट खाएगा इसको। रुको, अभी मेरा रेडिएशन भी ना काफ़ी ज़्यादा है तो मैं अपना रेडिएशन लेवल कम करता हूँ थोड़ा सा एंड उसके बाद जो है ना हम लोग चलेंगे। आई थिंक मर गया वो तो मर गया भाई। सामान उठा लेता हूँ। हाँ, ब्रोकन एमो चेस्ट है, बट यार मेरे हिसाब से ना गेम वालों को यार पहला वाला रूम सिस्टम करना चाहिए यार, कभी पहले की तरह सिस्टम करना चाहिए। एटलीस्ट एआर बैरल तो मिलनी चाहिए, अगर एक एआर मिल गया तो अपने पास बैरल्स रहता था तो हम एआर लर्न करते थे एंड अभी तो यार उल्टा ही सीन है। पहले एवेंजर मिलता था, एवेंजर जो है ना वो गधे से मार देते थे, अब एवेंजर भी नहीं मिलता। अरे भाई भगले कहाँ से मेरे को बुलेट्स पड़ी, मतलब हर जगह जो है ना भाई रिस्क ही रिस्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बट मेरे को बैंडेजेस चाहिए तो हम ग्रीन रूम करेंगे, बट पहले मैं अपना रेडिएशन लेवल थोड़ा सा कम करता हूँ। ओके रेडिएशन लेवल कम एंड अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले तो ग्रीन रूम करते हैं ना। बंदा आया भाई, बंदा आया, इसको मारना पड़ेगा। किधर है वो भाई, मुझे पता था ये वायर निकालेगा बट वायर निकालने से पहले मैंने इसको टपका दिया। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, बट मेरे को यार बैंडेजेस चाहिए, बैंडेजेस तो मैंने उठाए नहीं थे। हाँ मिल गए ना 20 बैंडेजेस, ओह मजा आ गया। तो चलो भाई यहाँ पे अपने को ग्रीन रूम पे कुछ खास मिला नहीं, एक ब्रोकन एमो चेस्ट मिला था, उससे भी कुछ मिला नहीं, मतलब कचरा ही था जो भी था। नाउडेज ये गेम जो है ना एकदम ऐसा लगता है यार, मतलब वेल्ले लोगों के गेम, आई मीन सात आठ घंटे खेलो ना तभी कुछ हो पाएगा। नॉर्मल अगर दो तीन घंटे वाले बंदे ना तो वो ऐसे ही घूमते फिरेंगे, मिलेंगे आपको साइकिल में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मतलब फोकस ही नहीं होगा। देखो जहाँ भी जाओगे सारे के सारे रूम लूटेड, भाई दिस इज़ सो बैड। गेम वालों को फिक्स करना चाहिए इस चीज़, मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई गेम को फिक्स करो, थोड़ा सा ईजी करो एटलीस्ट यार, नए भाई लोगों को भी समझ में आएगा, नहीं तो नए भाई लोग यार ऐसे ही घूमते 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 ऑफलाइन, उनका बेस में कभी रेड करो ना, देखो तो भाई उनके बेस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस एक पिस्टल मिलेगी जो इन्होंने बड़ी मेहरबानी से दे देते हैं, बट क्या करें। चलो यार अभी जो है ना हम लोग यहाँ पर से चलते हैं सीधा अपने बेस के तरफ, क्योंकि इधर तो कुछ खास मिला नहीं, लेवल टू का मास्क भी है नहीं यहाँ पे। देखो पहले लेवल वन का मास्क रहता था, वो इधर रोड फार्म करो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाता था, बट अभी तो क्या है लेवल वन का मास्क भी आपको मिलेगा गैस स्टेशन, गैराज एंड समथिंग, इन दोनों जगह में मिलता है। भाई गन की आवाज़ आ रही है, किधर चल रही है फाइट, ओ भाया फाइट किधर चल रहा है। हाँ यहाँ पे फाइट चल रहा है तो मैं भी इंगेज होता हूँ फाइट में थोड़ा सा। ये तो बॉट है यार, बॉट को छोड़ो। ओ भाई गंदा फाइट चल रहा है, चल भाई निकल। हाँ दूसरे किधर है, वो रहा, शॉट गन ले के आता है बाबा, रुक ले खा फटका, एक शॉट गन से मारेगा मेरे को, ले बटा उसकी शॉट गन गिर गए भाई, बट एक ही बुलेट था बेचारे के पास। पिस्टल लेट्स गो, आप लोग क्या चाहते हो गेम पे क्या चीज़ चेंज होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, गेम को थोड़ा इजी करना चाहिए ने या फिर नहीं, या फिर वेल्ले लोगों की तरह 18-18 घंटे खेलो ये गेम, बाकी आपके ऊपर है भाई, आप जैसा खेलो, मैं तो जैसा खेल रहा हूँ अब मैं उसी तरीके से खेलूँगा, मैं ज़्यादा खेलता भी नहीं हूँ, बट जस्ट फॉर इंजॉयमेंट एक हफ्ते मैं चले जाऊँ 2-4 दिन खेलने के लिए। अबे ओ भेड़िए भेड़िया पड़ गया था यार मेरे पीछे। ओके अब जाके जो है ना मेरे को मिला है लेवल 2 का मास्क,
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। वैसे जल्दी मिल जाता बट मेरे को यहाँ पे कैंप करके बैठना पड़ता। कैंप करके बैठने में ना यार दिमाग खराब होता है। एक चीज़ के लिए आप लोग 20-30 मिनट बैठो भाई, दिमाग बूम हो जाता है उस टाइम तक। चलो अभी मैं कार्ड वगैरह उठा के आ चुका हूँ और मैं इधर के साइड घूम ही रहा था तो मेरे को एक बंदा दिखा जो कि रूम करने भाग रहा था। मैंने कहा चलो भाई, अरे मर गया नहीं भाग, अब मर गया आई थिंक मर गया वो। ओके हाँ मर गया, बट मेरे को लग रहा ना पेसमेकर यूज़ कर लेगा क्योंकि वो रूम करके गया। अभी वायर निकाल रहा था भाई ये। चल बेटा निकाल, कुछ भी नहीं मिला, कचरा मिला भाई। देख रहे हो मतलब जब भी आ रहे हो ना आपको ग्रीन रूम पे तो लूट मिलेगा हिच नहीं, इसीलिए बोलो ना ग्रीन रूम के ऊपर बेस। आपको एक टाइम पता है जब हम पहले खेलते थे, पहले आपको पता होगा सबसे ज़्यादा भसड़ जो है ना गैस स्टेशन में मस्ता था। कोई सा भी गैस स्टेशन हो, इवन मेरी एक सीरीज़ है जहाँ पे मैं गैस स्टेशन में सर्वाइव किया था बहुत पहले, 15 दिन मैंने खेला था गैस स्टेशन में ही। भाई क्या ही मज़ा आता था, मतलब गैस स्टेशन में क्या ही भसड़ चलता था। बट यार वो दिन गए, वो दिन वापिस नहीं आने वाले यार। अब अब सबके सब बंदे जो है ना तेज हो गए भाई। बंदा आया वो रहा देखो, उसने मेरे को देखा सीधा कैंप करके अंदर बैठ गया। भाई ऐसे क्या है इसके पास जो कैंप करके बैठ गया? देख रहे हो बंदों को भाई, बहुत ज्यादा साथी रो चुके हैं ये बंदे। ऊपर से मारेगा कैंप करके, भाई तू क्या सोच रहा है मेरे को नूबड़ा समझ रहा है? हैं मैं नहीं आने का तेरे पास, मैं देखेगा पहले तू कर क्या रहा है फिर उस हिसाब के तरीके से हम लोग डिसीजन लेंगे। ओ भाई फार्महाउस है यार लौंडे के पास, बहुत गंदा डैमेज दे रहा है। लौंडे के पास फार्महाउस है यार, पास जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। पास गया मैं वो मार देगा मेरे को। भाग लिया बेटा यहाँ पे से। भाई देखो बंदे के पास फार्महाउस है फिर भी बंदा जो है ना अपने के लिए कैंपिंग टावर बनाया, वहां से मेरे को मारने का ट्राई कर रहा है। आप भी समझ सकते हैं यार क्या दिमाग लगा रहा है बंदा यार। ऐसा दिमाग हमें दिया रहता ना जब हम ग्लोबल खेलते थे पहले स्टार्टिंग में, अब तक तो हम कतई परा होते। जस्ट जोकिंग ब्रो, लेट्स गो। साइकिल उठा लेता हूँ, इसको देखना पड़ेगा यार इसको किस तरीके से मारूँ मैं। चलो कोई नहीं, एक तरीका करते हैं, घूम फिर के आएंगे सीधा उसके बेस के पास में, ऊपर से बाहर निकलेगा तो फिर इसको मारने का ट्राई करेंगे। ओके तो मैं पहुंच गया, भाग रहा था भाई। अरे अरे नहीं देखो डायरेक्ट इसने बंद कर दिया भाई, वो सोच रहा अगर मैं मर गया ना मेरा फमाज ना गिर जाए। ऊपर से मारेगा मुझे, ऊपर से मारेगा मुझे पता है मारेगा। निकाल मुंडी बेटा अपनी मुंडी निकाल यार, क्यों डर रहा है यार इतना, तेरे पास फमाज है यार मार ना भाई। मुंडी दिखा, मुंडी दिखा, चल भाई निकाल। क्या ही गजब मारा यार इसको, मजा ही आ गया। तो चलो साइकिल उठाते हैं, अभी यहाँ पे पंगा लेके तो कोई फायदा नहीं है, बाहर नहीं निकलेगा। एंड मैं सोच रहा था इसको मार के इसकी फार्मर्स वगैरह ले लूँ बट नहीं, नहीं हो पाएगा यार। तो ठीक है चलते हैं सीधा अपने बेस के तरफ। मैं सोच रहा हूँ ना ये बाहर जाएगा फिर इसको पकड़ने का ट्राई करूँगा, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे सब बाहर निकलेगा। चलो अपने बेस के अंदर ही चलता हूँ मैं। तो उसके बाद मैं पहुंच गया था दोबारा से यार अपने बेस के तरफ, क्योंकि अभी तक मेरे को एक बार भी ग्रीन रूम नहीं मिला। लगभग 3 घंटे से ऊपर हो चुका है मेरे को खेलते खेलते। भाई क्या किस्मत है, मतलब ग्रीन रूम जब भी आओ ग्रीन रूम चेकआउट करने के लिए डेफिनेटली 101% कोई ना कोई बंदा जो है ना रूम ही चेकआउट करता रहता है। भाई छोड़ दो यार हमें भी ग्रीन रूम करने दो, बट नहीं हमें नहीं करने दो कि ग्रीन रूम। शॉट का फटका खा, फिर एक और आया, बॉट था यार, मैं सोचा बंदा था, बॉट था एक्चुअली मैं वो। भाई कोई ग्रीन रूम करने देगा अपने को? मुझे नहीं लगता यार कोई ग्रीन रूम करने देगा। एक और बंदा, बॉट था नहीं बंदा था भाई ये भी था। मतलब कितने बंदे जो है ना ग्रीन रूम की तरफ ही घूम रहे हैं। ले भाई
बेचारे ने बॉट मारा होगा, उसका भी लूट गिर गया भाई, बॉट का भी लूट गिर गया उसका। यार दिस इज सो बैड ब्रो। भाई एक तो बार छोड़ दो यार रूम, कोई ना कोई तो दया कर दो मेरे में, मेरे को भी मिल जाएगा ग्रीन रूम। बट नहीं, कोई दया नहीं करेगा, दया नाम की चीज ही नहीं है इस गेम पे भाई, बहुत बुरा गेम है। छोड़ो, चलो यार अभी चलते हैं सीधा ऑफलाइन, बहुत हो गया आज के लिए, 2-3 घंटा खेल लिया अपन ने, अब कल देखेंगे इसको, कल क्या करना है अपने को, या फिर ड्रॉप में जाएंगे, ड्रॉप करेंगे यार। पर ठीक है, तो भाई बहुत बुरे हाल हो चुके हैं हमारे, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को ना एक भी रूम नहीं मिला, एक भी रूम नहीं मिला। जब मेरे को मिलता है तब मैं दिखाता हूँ, जब रूम ही नहीं मिलता तो यार दिखा के क्या फ़ायदा है, मैं रूम पे जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, सारे के सारे रूम खाली हैं, वहाँ पे बंदे भी नहीं है, तो दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है वो सीन। तो चलो फिर गाइज, आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और अभी मैं ब्लू कार्ड वगैरह लेके निकल रहा हूँ, देखते हैं रूम वगैरह मिलता है तो करते हैं फिर, तो बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।